बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफियस होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू लॉ according to law PV power m is equal to c where find c की वैल्यू हमने फाइंड किया where p is equal to 80 v is equal to 3.1 p is equal to 80 V is equal to 3.1 and N is equal to 5/4 and N is equal to 5/4 P की वैल्यू हमने फाइंड, C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। P, V और N की वैल्यू हमारे पास गिवन है। पहले आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करें इसमें, जो गिवन फार्मूला है P की V की पावर N is equal to C। P किसके इक्वल है, ए डी। V किसके इक्वल है, 3.1 और n किसके इक्वल है, 5/4 इज इक्वल टू सी। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग c लॉग 80 3.1 पावर 5/4 ये हमने बोथ साइड को लॉग ले लिया। अब आप देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। फर्स्ट लॉ मल्टीप्लाई हो रहे तो किस में चेंज होगा, ये प्लस में चेंज होगा, लॉग 80 प्लस लॉग 3.1 पावर क्या होगी, 5/4 लॉग 80 प्लस थर्ड लॉ पावर है तो कहां जाएगी, लॉग से पहले 5/4 log 3.1। अब हम इसके log फाइंड करना, log हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, पहले हम इससे क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, इसका 1 है। कैसे, क्योंकि पॉइंट हमने कहां लगाना है, 8 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 8 है तो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है तो 1, इसका कैरेक्टर आ गया log 80। मैंने बताया था जो मेंडिसा है और किस तरीके से फाइंड करते हैं, आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए, एटलीस्ट 4, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3, एटलीस्ट 4 डिजिट तक हम मेंडिसा फाइंड करते हैं। अब यहाँ हमारे पास कितने डिजिट है, सिर्फ 2 डिजिट है, तीसरा डिजिट नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये जो 80 है लोग इस तरीके से देखते हैं, पहले 2 डिजिट को 80 को, अब तीसरा डिजिट तो नहीं है, आपने क्या करना है, 80 को किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे, 80 को किस में देखेंगे आप, 0 में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9031। ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, जैसे पहले लोग कैसे फाइंड करते थे, कैरेक्टर प्लस मेंडिसा, कैरेक्टर को अलग और मेंडिसा को अलग, मैंने दोनों को ऐड करके ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका कैरेक्टर और मेंडिसा, ये 1 इसका कैरेक्टर है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू हो इसका क्या है, मेंडिसा प्लस 5/4 लॉग 3.1। यहां पर देखें पे ऑलरेडी पहले से ही यहां पे पॉइंट लगा हुआ है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, 0 होगा, 0 इसका क्या होगा कैरेक्टर। अब आपने क्या करना है, इसका मेंडिसा फाइंड करना है, यहां पे देखें 2 ही डिजिट्स हैं, 31, तो 31 को आपने देखना है किसमें, 0 में देखेंगे, किसमें देखेंगे, 0 में देखेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 4914 लॉगरिथम टेबल में, लॉगबुक के आखिर में आपके पास टेबल है उसमें आप देखेंगे लॉगरिथम में, तो 31 को आप देखेंगे किसमें, 0 में देखेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 4914 1.9031 प्लस, अब 5 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना और 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.6142 इन दोनों को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, 2.5 2.573
1.17 एक कैलकुलेटर पे आप इसे ऐड करेंगे तो आपको याद आएगा 2.5173। अब हमने क्या करना है, लॉग सी वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, सी उसने खुद ही कह रहा है आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सुरसन ने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, पहले हम क्या करते थे, किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप सेलेक्ट करते थे एक्स वाई जेड। जब हम लॉग फाइंड करते थे वैल्यू हम किसी फाइंड करते थे एक्स या वाई या जेड की, तो लास्ट में हम क्या लेते थे उसका एंटी लॉग। यहां भी हमने क्या करना है, सी की वैल्यू है सी फाइंड करना है, उसके साथ क्या लिखा था लॉग, इसका हमने क्या पहले क्या लिखा बोथ साइड पे एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग लॉग सी इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.5173। ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल सी। अब एंटी लॉग हम किस तरीके से लेते हैं, पॉइंट से बाद वाले, पॉइंट से पहले नहीं, इंटीग्रल पार्ट में डेसिमल पार्ट में हम क्या करेंगे इसका मेंटीसा मेंटी लॉग फाइंड करेंगे। ठीक है, ये 2 इसका क्या होगा अरेरे, इसका करैक्टर होगा। आपने क्या करना पॉइंट्स के बाद, पॉइंट को भी सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट कोड से 51 को आप देखेंगे जिसमें एंटी लॉग टेबल में देखा, आपने लॉग में नहीं देखना, आपने एंटी लॉग टेबल में देखा को आप देखेंगे किसमें 7 में, और 3 आपको क्या होगा डिफरेंस, 51 को आप 7 में देखेंगे और डिफरेंस किसमें 3 में देखेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 3291। अब हमने क्या करना है पॉइंट्स लगाना है, पॉइंट किस तरीके से लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक है 2, तो मैंने पहले आपको बताया था अगर पॉजिटिव है 2 है तो हम क्या करेंगे एक ऐड करेंगे इसमें, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो 3 डिजिट के बाद आपने क्या करना है ये पॉइंट आपने लगाया। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये फाइंड सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है द फार्मूला पी इज इक्वल टू द फार्मूला फार्मूला पी इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस 2 ओवर 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर U is the number of units, U is the number of units and P is the price of one unit. वो कहते हैं Q क्या है number of units है और P हमारे पास क्या है price है, उस unit की price है, एक unit की price है one unit. How many units? कहते हैं कितने units होंगे will demand if the price, अगर उसकी price 18 हो 18 हो तो कितने यूनिट्स हमने फाइंड करने हैं, तो वैल्यू पी की वैल्यू आपके पास क्या है 18, सॉल्यूशन इसका पी किसके इक्वल है 18 हो, कहते हैं कि प्राइस अगर 18 हो तो आपने क्या फाइंड करना है यूनिट्स आपने फाइंड करने हैं, इसके वैल्यूज पुट करेंगे पी इज इक्वल टू 18 है 18 90 5 माइनस क्यू ओवर 10 बोथ साइड पे आपने क्या करना है लोग टेकिंग लोग बोथ साइड लोग 18 लोग 90 मल्टीप्लाई 5 माइनस क्यू ओवर 10 लोग 18 ये मल्टीप्लाई तो किसमें चेंज होगा फर्स्ट लॉ प्लस में चेंज होगा लॉग 90 प्लस लॉग 5 पावर माइनस क्यू ओवर 10 ये थर्ड लॉ पावर है तो पावर कहां जाएगी लॉग से पहले लॉग 90 प्लस माइनस क्यू ओवर 10 लॉग 5
log 18 is equal to log 18 log 90 sine chain q over 10 plus minus sine chain log 5. अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज का आप लॉग फाइंड करेंगे. लॉग 18 कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1. अब देखिए यहां भी हमारे पास कितने डिजिट है, सिर्फ दो डिजिट है, तीसरा डिजिट नहीं है. तो आप क्या करेंगे, 18 को आपने देखना है किस में, जीरो में देखेंगे आप. 18 को आप किस में देखेंगे, जीरो में. तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2553. ये इसका गवर्नमेंट डी सर 2553 log 18 कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 1. 18 को 0 में ले लेंगे 2553. इसी तरह हम इसका भी log 90 फाइंड करेंगे, कैरेक्टर क्या आएगा इसका 1. अब थर्ड डिजिट तो नहीं है इस पे, तो आपने 90 को देखना है किस में, 0 में देखेंगे. जब 90 को 0 में देखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 9542 U over 10. अब log 5 क्या सिर्फ हमारे पास एक ही डिजिट है, बाकी ना दूसरा कोई और डिजिट नहीं है. तो log 5 आप किस तरीके से देखेंगे, तो आपने क्या करना है log 50, क्योंकि जो log टेबल है वो आपको कहां से स्टार्ट हो रहा है ये देख लें आप पेज नंबर 293 पे देखें, जो आपका log टेबल है ये 10 से स्टार्ट हो रहा है log 10. लेकिन यहां हमारे पास क्या लिखा हुआ log 5, आपने क्या करना है log 50 को आप देखेंगे किस में, जीरो में. आगे दो जीरो खुद आप ऐड करके इसमें, तो log आप 50 को देखेंगे किस में, जीरो में. कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता है, जीरो, क्योंकि एक ही डिजिट है, पहले से यहां पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद. तो जीरो इसका आपका कैरेक्टर हो गया. आपने 50 को देखना है किस में, जीरो में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6989. ये इससे क्या हो जाएगा, मेंटेसा हो जाएगा. ठीक है, क्या log 50 आपने क्या करना, आप इसको इस पर डिवाइड करें 1.2553 1.9542 माइनस 2 इसके साथ डिवाइड करेंगे 0.6989 को डिवाइड करें 10 पे, तो क्या आंसर आएगा आपके पास 0.0699. ये इसमें आपने डिवाइड किया था. तो हमने वैल्यू हमें किसके फाइंड करनी है, क्यू की वैल्यू आपने फाइंड करनी है. ये माइनस का उतरा करके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्यू 0.0699 = 1.9542 प्लस का इतरा करके हो जाएगा ये माइनस का 1.2553. इसको आप इसमें से माइनस करेंगे, क्यू 0.0699 1.9542 को माइनस करें इसमें से 1.2553 में से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.7039. हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू की वैल्यू. ये इसके साथ मल्टीप्लाई इतना क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. क्यू इज इक्वल टू 0.7039 डिवाइडेड बाय 0.0699 क्यू. 0.7039 को डिवाइड करें 0.0699 पे, तो आपके पास क्या आएगा 10.07 units. राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 10 units. तो क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आगे 10 आ गए. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 If A is equal to pi r square where pi is equal to 22 over 7 and r is equal to 15, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. क्या करें, पहले सबसे पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं
आर की भी और ए की वैल्यू आप इसमें पुट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू पाई किसके इक्वल है 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड पे इसका बोथ साइड पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग लॉग बोथ साइड, लॉग ए लॉग 22/7 15 स्क्वायर। अब आप देखें ये 22/15 क्या हो रहा है, आपस में मल्टीपल है, और 7 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। लॉग ए लॉग 22 और लॉग 15 का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीपल हो रहे थे तो मैंने इकट्ठा कर लिया, ये 7 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड लॉग डिवाइड हो रहा है तो किस में चेंज होगा, ये माइनस में चेंज होगा, माइनस लॉग 7 माइनस लॉग 7। अब देखें ये दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, फर्स्ट लॉग तो किस में चेंज होगा, ये प्लस में लॉग 22 प्लस लॉग 15 का स्क्वायर माइनस लॉग 7, लॉग 22 थर्ड लॉग पावर लॉग का कहां लेगी लॉग से पहले 2 लॉग 15 माइनस लॉग 7। अब हम इन तीनों वैल्यूज का लॉग फाइंड करेंगे, लॉग 22 इसका करेक्टर क्या आएगा 1 इसका क्या आएगा करेक्टर आएगा, 22 को आपने किस में देखना है 0 में, देखिए दो वैल्यूज हैं तो 20 थर्ड डिजिट तो नहीं है तो आप 22 को किस में देखेंगे 0 में, 0 में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 4 2 4 प्लस 2 लॉग 15 करेक्टर इसका क्या आएगा 1, 15 को आपने किस में देखेंगे 0 में क्योंकि थर्ड डिजिट नहीं है, जब 15 को 0 में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1761, तो लॉग 7 इसका करेक्टर क्या आएगा 0 पॉइंट, लॉग 70 को देखेंगे किस में 0 में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8451। ये लॉगरिथम टेबल में मैंने आपको पहले ही बता दिया किस तरीके से देखना है, इसको मल्टीप्लाई करें 1.2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.3424 प्लस 2 को जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2.3522 3522 माइनस 0.8451। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा इसमें से आपने क्या करना है, इसे सबट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा आपके पास 2.8495 लॉग ए, ये हमने क्या फाइंड किया, वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग लॉग ए लॉग 2.8495 कैंसिल, एंटी लॉग इस तरीके से देखें पॉइंट्स के बाद वाले 84 को आप देखेंगे इसमें 9 में डिफरेंस, किसमें देखेंगे 5 में, तो आपके पास क्या आएगा 70713 84 को 9 में और डिफरेंस किसमें 5 में देखेंगे एंटी लॉग टेबल में पॉइंट्स के बाद वाले डेसिमल बाद, तो पॉइंट्स हमने लगाने करते हैं क्या 2 1 ऐड करके 3 तो 3 डिजिट्स के बाद आपने क्या करके पॉइंट्स लगाने, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसी है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया, या आपने ए की वैल्यू फाइंड किया, वहां आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आपकी जो डायरी होगी एक्सरसाइज 3.4 का सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने करने से, अगर किसी को ना समझ आए तो हम उसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपना चैप्टर वाइंड अप करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।